If you can't explain it to a 6-year-old, you don't understand it yourself. तो ये कोट हमें बताने की कोशिश कर रहा है और लाइफ में होता भी ऐसी है. अगर आप कह रहे हैं कि मुझे कोई चीज़ समझ आ गई है तो आप वो इतनी ईजिली एक्सप्लेन कर सके कि इससे कोई भी छोटा बच्चा भी हो, चाहे वो 5 साल 6 साल का, वो भी समझ सके. ठीक है, तो उस चीज़ को कहते हैं कि मतलब हाँ हमने एक्चुअल में कुछ लर्न किया है. आपने बहुत बार, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं हाँ मुझे समझ तो आ गया लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, मैं बता नहीं पाऊँगा. ठीक है, तो मतलब आपने वो चीज़ एक्चुअल में लर्न करी ही नहीं है. ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को डीपली समझ जाते हैं ना तो आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी को भी. ठीक है, और इजीली. ठीक है, जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी लर्न कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए कि वो आप इस तरह से पढ़िए, इस तरह से लर्न किए कि आप किसी अगर एक छोटे बच्चे को भी उसे एक सिंपल वर्ड्स में समझा सकें और वो भी समझ जाए. ठीक है, तो उसे रियल लर्निंग कहते हैं. तो वही एक कोट बताने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, और अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, ताकि आप इजी वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन कर सकें. ठीक है, सो यही बात ये कोट कहने की कोशिश कर रहा है कि इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट टू अ 6-year-old, यू डोंट अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ. ठीक है, तो अगर आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं किसी को तो आप वो चीज़ समझे ही नहीं है खुद भी. ठीक है, सो यही निशानी है कि अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है आप में, तो आप किसी को भी वो इजीली एक्सप्लेन कर देंगे. सो आई होप यू लाइक दिस कोट. मिलते हैं नेक्स्ट कोर्ट में, तब तक टेक केयर.